समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी से भारतीय जनता पार्टी से सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पंडित रवि शर्मा का जनसंपर्क तेज हो गया है। कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुनः जीत दिलाने के लिए कमर कस ली है। पंडित दिलीप पांडे और भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल सहगल सहित कार्यकर्ताओं ने प्रेमनगर के बिहारीपुरा, नूरनगर, शास्त्री नगर आदि में सघन जनसंपर्क करते हुए घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए वोट मांगे हैं। जनसंपर्क के दौरान पंडित दिलीप पांडे ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्रों में केंद्र व राज्य की जो योजनाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश को नंबर वन पर लाने का काम किया है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, टीकाकरण, गरीबों के लिए अन्न वितरण, गरीबों की जान और जहान दोनों बनाने का काम मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही सर्व समाज का कल्याण करती है। भाजपा की जीत राष्ट्रवाद की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कार्यकारिणी योजनाओं के बारे में विस्तार से लोगों को बताया। जनसंपर्क के दौरान घर घर जाकर जनता से आगामी 20 फरवरी को होने वाले मतदान में कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा को पुनः भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। झांसी से मनीषा लेकी रिपोर्ट। पूरी झांसी में कितने से फोन हम लोग तो दे दिए, जितना हम लोग बने उतना ही कर सकते।